नवरात्रि रेसिपी में मैं एक नई रेसिपी और लेकर आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ कि आज कौन सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे तिखुर की बर्फ़ी, जो एक फरहारी रेसिपी है। आप किसी भी व्रत या उपवास में फरहार के रूप में इसे ले सकते हैं। तिखुर हल्दी जैसे दिखने वाला होता है, इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लिया जाता है। ये किसी भी किराना स्टोर पर या फिर आप ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं अंकिता जैन अंकिता की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में जो तिखुर मिलता है वो इस तरीके का पाउडर फॉर्म में मिलता है, या किसी किसी में थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीसेस होते हैं। ये मैंने आधा कप तिखुर का पाउडर लिया है। इसके अंदर करीब 2 ग्लास मैंने पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी। फिर 2 से 3 घंटे के बाद मैं इसे अच्छे से फिर से मिक्स करी हूँ और फिर इसे एक छन्नी से छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें अगर कोई लम्स है या फिर कुछ कचरा है तो वो निकल जाता है, और उसमें कोई बड़ा पीस रह जाता है जो पानी में अच्छे से घुल नहीं पाता, वो भी ऊपर आ जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और जो पाउडर थोड़ा टाइट था, जो घुल नहीं पाया है, उसे हटा दिया है। इसे अब मैं साइड में रख दूंगी। और अब मैं रखूंगी एक कढ़ाई, इसमें करीब मैंने 1.5 ग्लास दूध डाला है। फ्रेंड्स, आधा कप तिखुर के लिए 1/2 लीटर करीब दूध लग जाता है फ्रेंड्स। और ऑलरेडी हमने तिखुर को 2 ग्लास पानी के अंदर घोल के रखा है, तो 1/2 लीटर दूध बहुत होता है इसके लिए। बस अब हमें गैस चालू करना है और इस दूध को हमें गर्म होने देना है। हमें सिर्फ इसका थोड़ा सा गर्म करना है और उसके बाद हम ये तिखुर को डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध अच्छे से गर्म हो गया था और उसके बाद मैंने इस तिखुर को इसमें डाल दिया है। बस फ्रेंड्स, अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे कढ़ाई में लग जाता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। फ्रेंड, चलिए मैं आपको थोड़ा सा तिखुर के बारे में बता देती हूँ। तिखुर की तासीर ठंडी होती है, इसमें कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और व्रत उपास के लिए बहुत अच्छा होता है कि हमारे शरीर में गर्मी ना बढ़े। फ्रेंड्स, इसमें अब मैं ना कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मैंने 4 से 6 काजू, 4 से 6 बादाम और थोड़ी सी कुटी हुई इलायची इसे डाला है। फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें शक्कर ऐड नहीं की है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा जब ये गाढ़ा होने लग जाएगा उसके बाद मैं इसमें शक्कर डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा वीडियो में, बट ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसे हमें बस कंटिन्यूसली चलाना है। ये एक जो बर्फ़ी होती है थोड़ी सी ना जेली टाइप की लगती है, तो बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। और ये फरियाली है तो आप भी इसे आराम से व्रत में खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 1/2 कप तिखुर लिया था, तो इसके लिए मैंने 1/4 कटोरी करीब शक्कर ली है। फ्रेंड, जितना तिखुर है उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हम शक्कर लेंगे, और बस आप देखेंगे अब हमारा जो ये मिश्रण है अच्छे से गाढ़ा होने लग जाएगा। 5-7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गाढ़ा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप 5-7 मिनट इसे कंटिन्यूस चलाएंगे तो ऐसे गाढ़ा हो गया है। और अब मैं इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा के रखा था और उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट करा है। इसके ऊपर कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके डाले हैं। फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर अपनी पसंद के और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कोकोनट भी डाला है, कोकोनट अच्छा लगता है इसके ऊपर, इसका टेस्ट अच्छा लगता है बच्चों को भी बहुत। तो बस ये देखिए, इसे अब मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने रख दूंगी, और 1 से 1.5 घंटे के बाद अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि इसकी कितने अच्छे से पीसेस हो जाते हैं। आप देख सकते हो मैं नाइफ चला रही हूँ तो कितना स्मूथली चल रहा है, इसके पीसेस बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी हो जाते हैं फ्रेंड्स। और इसे बनाना मुश्किल से 20 मिनट का काम है। 20 मिनट में आप बहुत सारी बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत कम बजट में बिना घी से बनी हुई रेसिपी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई जो रेसिपी है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इसमें से बर्फ़ी उठा के दिखाती हूँ कि देखिए कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी लग रही है। और आप देख सकते हैं एकदम है ना जेली के फॉर्म में है, जैसे बच्चे लोग जेली खाते हैं ना, बस वैसे ही है।
तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या बना के दूँ इसका भी कमेंट करिएगा नवरात्रि स्पेशल रेसिपी में। आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र।